में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। मिस्टर रचित शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, मिस सुनिधि बाला, मिस रिया देवी, मिस अंजलि वर्मा, मिस्टर त्रिपाठी, देश की दुर्गम पहाड़ियों में सेना के साथ एकजुट होकर पूरी ताकत से जिस ढंग से देश की अखंडता की रक्षा की, वो किसी से छिपा नहीं देखा। तथा पंजाब के विस्तृत मैदानी भूभाग, थार मरुस्थल के आग उगलते विशाल रेतीले क्षेत्रों का चिन्ह, इसलिए यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बखूबी समझा कि युवाओं के माध्यम से ही भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है, और अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल है। उस अमृत काल में युवाओं को साथ लेकर, उनको रोजगार देकर, उनके हाथ में स्किल देकर, इस देश को सबने मिलकर अपने कर्तव्यों के साथ विकसित भारत बनाना है। उसी निमित्त 10 लाख सरकारी नौकरी देने का शुभारंभ आदरणीय मोदी जी ने अक्टूबर में शुरू किया था। फर्स्ट फेज में 75,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज देश के 45 स्थानों पर 71,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। और उन्होंने उन नौजवानों से यह आह्वान भी किया है, जो प्रधानमंत्री जो कर्मयोगी प्रारंभ उन्होंने नई वेबसाइट शुरू की है, उस पोर्टल पर जाकर वहां पर ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में। सर,